Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अपने आप को फन्नेखास समझते हो? ये सबने सुना होगा, लेकिन क्या इसका इतिहास जानते हैं? फन्नेखा चंगेज खान के दरबार का एक सिपाही था जो उसके सेना में भारत की तरफ रुख करते हुए अफगानिस्तान से शामिल हुआ। ये इतिहास 12वीं शताब्दी का है। फन्ने खां का काम क्रूर शासक चंगेज खान की सेवा करना था। फन्ने खां में एक खास बात थी कि उसे बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत पसंद था, लेकिन असलियत में वो युद्ध से भागता था। एक दिन की बात है, चंगेज खां और फन्ने खां दोनों सैर पर निकलते हैं। चंगेज खां को रास्ते में भूख लगती है, लेकिन साथ में खाने का कुछ सामान न होने की वजह से वो फन्ने खां को खाने का इंतज़ाम करने का आदेश देते हैं। फन्ने खां आदेश का पालन करता है और एक जानवर का शिकार करके तुरंत शासक के सामने हाजिर करता है। उसके इस बात से खुश होकर चंगेज खां फन्ने को युद्ध की प्रमुख सेना में शामिल कर लेते हैं। फन्ने खां में एक खास बात थी कि उसके हाथों में कई हाथियों का बल था और वो नीम और पीपल जैसे बड़े वृक्षों को तलवार के एक ही वार में काट देता था। यही नहीं, उसकी एक तलवार का वार कई के सिर एक साथ काट देता था। इसलिए आज भी बहादुर, ताकतवर और निडर को लोग फन्ने खां का खिताब देते हैं। चंगेज खान का मंगोलियाई नाम चंगेज खान था। वो एक मंगोल शासक था। चंगेज नाम के साथ खान लगा होने से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वो मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज का असली नाम तैमुजिन था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित संपूर्ण एशिया, रशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा जैसे देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। उसकी निर्दयता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जिधर से निकलता वहाँ थोड़ा सा भी विरोध होने पर आसपास के इलाकों को भी खून से लथपथ कर देता था। उसकी इसी निर्दयता के कारण पश्चिम एशिया तक के राजाओं ने उसके सामने हार मान ली। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 सालों का लंबा समय लगा। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। एक अनुमान के मुताबिक उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा था। 1227 में चंगेज खान की मौत हुई। उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। उसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया या किसी को पता न चले। आज भी चंगेज खान के कब्र ढूंढने की कोशिश की जाती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.